हेलो गाइस, एक बार की बात है जब आप छोटे थे और टेबल के नीचे दौड़ते थे। कुकी और हमने एक वीडियो बनाई थी कि अगर हम 300 सिगरेट पीते हैं तो क्या होता है। वक्त बदल रहा है और हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिगरेट की जगह ले रहे हैं, और आज हम इस फेमस डिवाइस की मदद से 100 सिगरेट पियेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारे बनावटी फेफड़े पर कुछ असर छोड़ता है या नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज तंबाकू को गर्म करती है, कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है। मुद्दा ये है कि इसमें तंबाकू को जलाया नहीं जाता बल्कि गर्म किया जाता है, और इसीलिए धुआं नहीं निकलेगा। और अब हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा ही है। वैसे धूम्रपान करने वाली ये स्टिक्स आम सिगरेट जैसी ही दिख रही है। इसे एक खास छेद में डाला जाता है और इस डिवाइस से सीधे धूम्रपान किया जाता है। कुकी, तुम इसे आजमाना नहीं चाहती? सही है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मार्लबोरो फिर से तंबाकू का मजा लेना चाहता है। नहीं, तुम धूम्रपान नहीं कर सकते, पिछली बार से तुम्हारा मन नहीं भरा। अपने घर में रहो मार्लबोरो। तो हमें एक बटन पर क्लिक करना है और सिगरेट गर्म होने लगती है, और फिर धूम्रपान करने वाले इसे पूरी तरह से अंदर लेते हैं। वैसे इसमें थोड़ा धुआं है, भले ही कहा जाता हो कि ये धुआं रहित धूम्रपान है। वीडियो के आखिर में हम इस डिवाइस को अलग करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या है। इसके खत्म होने पर सिगरेट के अंदर ऐसा जला हुआ तंबाकू रहता है। ये एकदम काला है और देखिए ये सिगरेट आधी खाली है। हम अपना एक्सपेरिमेंट इन्हीं इक्विपमेंट के साथ करेंगे जिनसे मार्लबोरो ने धूम्रपान किया था, लेकिन पहले इसे फिर से डिजाइन करने और थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। हमारे पास एक आम सिगरेट के लिए एक छेद है, और ये नई सिगरेट थोड़ी पतली है, और इनके साथ एक बड़ा डिवाइस है। तो हमने एक आम पेन लेकर इस हिस्से को निकाल लिया, इसमें एक पतली ट्यूब डालकर कंटेनर के छेद में लगा दिया। नली की दूसरी तरफ हमने पेन का एक टुकड़ा काटा, और लीजिए हमारी सिगरेट पूरी तरह से फिट हो गई। बस हो गया, पिछले वीडियो में हमने देखा कि रबर इसमें बहुत कसकर फिट नहीं हो रहा, जिससे हवा अंदर जा रही और इसीलिए कम धुआं खींच रहा है। इसमें हमने इंसुलेटेड टेप लगाया जिससे अब कनेक्शन ज्यादा एयर टाइट रहेगा। अब हम बाहर चलते हैं क्योंकि हम घर में तंबाकू की बदबू नहीं चाहते। मार्लबोरो, इसके बारे में सोचो भी मत, तुम घर पर रहो। तो अब हमें कंटेनर को रुई से भरना है जो हमारे फेफड़े का काम करेगी और जिसमें हम धूम्रपान करेंगे। बस हमें इसे ध्यान से करना है, ढक्कन बंद करना है, और अब हम धूम्रपान के लिए तैयार हैं। मार्लबोरो, तुम यहाँ क्या कर रहे? तुम यहाँ आए कैसे? हमने फैसला किया था ना कि तुम धूम्रपान नहीं करोगे। तुम पिछली बार लगभग मर गए थे, तुमने इतना धूम्रपान किया था कि तुम बीमार हो गए थे, याद है ना? तो घर वापस जाओ, या ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ बैठकर देख सकते हो। बस देखा आपने, एक बार जब आप धूम्रपान करना शुरू करते हैं तो आप तुरंत आदी हो सकते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा सिगरेट चाहते हैं। तो हमने एक सिगरेट ली, इसे डाला, बटन दबाना शुरू किया और काम शुरू हो गया। तुरंत ही पाइप में से धुआं गुजरने की वजह से इसका रंग बदल गया। हाँ, ये सिगरेट के मुकाबले तो काफी कम है, लेकिन फिर भी काफी है। लगभग 2 या 3 मिनट में एक सिगरेट पी जा रही है, और इतने धीरे गर्म होने की वजह से लग रहा है जैसे ये एक्सपेरिमेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। वक्त बहुत धीरे बीत रहा है। इसी बीच हमें पता चला कि इस डिवाइस की बैटरी सिर्फ 10 सिगरेट के लिए है। ये थोड़ा गलत हुआ। हम एक पावर बैंक उधार लेकर हीटर चार्जिंग करने लगे जिससे ये इतनी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा, और अब ये कुछ ऐसे सेट हो गया। मार्लबोरो हमें आराम कराने के लिए हमारी जगह लेने को तैयार है, लेकिन हम आखिरी मिनट तक रुके रहेंगे। धीरे धीरे कई जगहों पर रुई पीली पड़ने लगी। साफ है कि ये सिगरेट इतनी भी सेफ नहीं है। फिर डिवाइस ज्यादा गर्म होकर बंद हो गई, इसीलिए एक ब्रेक लेकर हम दुकान पर गए और एक छाता खरीदा ताकि ये इतनी गर्म ना हो। यहाँ बहुत गर्मी है और इसमें बहुत लंबा वक्त लग रहा, यहाँ तक कि एक छोटी मकड़ी ने भी हमारे डिजाइन पर एक जाल बनाना शुरू कर दिया। और कुछ घंटों के बाद हमारे पास है आखिरी सिगरेट। रुई को कंटेनर से हमने धीरे से बाहर निकाला, और पता है हमने क्या देखा? हमने रुई का ये काला हिस्सा देखा,
पता ये चला कि ये भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। बेशक ये सिगरेट की तरह भयानक तो नहीं है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज भी नहीं है। हमने रुई को माइक्रोस्कोप में रखा और इसके टुकड़े साफ दिख रहे जो एकदम सिगरेट की तरह लग रहे। इसके बाद हमने एक बिना जाली वाली सिगरेट के तंबाकू को देखा और ये कुछ अजीब ही है। इसमें भूरे रंग के कपड़े से मिले कुछ रेशे होते हैं। हमें नहीं लगता कि ये तंबाकू के पौधे की पत्तियां हैं, क्योंकि उसमें शायद इतने सारे धागे नहीं होंगे। इसीलिए हमने ये काम सिगरेट से तंबाकू लिया और इसके बगल में रख दिया। जरा देखिए, साफ दिख रहा है कि दोनों कितने अलग हैं। ये टुकड़े पौधे की पत्तियों की तरह लग रहे हैं। तो हीटिंग सिगरेट में धुआं और राल तो कम होती है, लेकिन ये किस चीज से बनी है ये पता नहीं चल पाया। चलिए अब डिवाइस को खोल कर देखते हैं कि आखिर अंदर क्या है। हमने इसे अब आगे इस्तेमाल करने का नहीं सोचा है, इसलिए हम इसे बड़े मजे से खोल रहे हैं। वैसे इसका केस एल्यूमिनियम से बना है। इसके नीचे का प्लग निकालते ही पूरी डिवाइस खुल गई। तो ये ऐसा दिखता है। हमने इसके इस मोटे कवर को हटाया। जाहिर है ये थर्मल इंसुलेशन के लिए होगा। और इसके अंदर मोटे तांबे की तार की कॉइल्स हैं। वाह, हमें लगता है कि हम जान चुके हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ इंडक्शन हीटिंग होती है, फिर करंट कंडक्टर से होकर गुजरता है, जिससे लोहे की ट्यूब गर्म होकर सिगरेट को गर्म करती है और कॉपर कॉइल इसे छू भी नहीं पाती। हैरानी की बात है कि ये पूरा हीटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना है, जिसे बनने में इसकी कीमत से ज्यादा पैसे लगते होंगे। लेकिन उन्हें पता है कि वो सिगरेट से बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। और यहाँ एक बैटरी है जो इसमें काम आती है। ये धूम्रपान करने वालों के लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि इससे कम चार्ज में ज्यादा धूम्रपान किया जा सकता है। तो हमारे मुताबिक सीधी सी बात है, अगर आप धूम्रपान करने वाले नहीं हैं, तो शुरू ना करें। लेकिन अगर आप हैं, तो बेशक इसे रोकने की कोशिश करें। शुरुआत के लिए इस तरह के बदलाव का इस्तेमाल करें। कम से कम ये इतना खतरनाक नहीं है। और फिर इसे भी फेंक दें। जरा सोचिए कि हर दिन आप सिगरेट पर खर्च किए गए पैसे को बचा सकते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ काम की चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि इस धुएं के बजाय एक किलो सेब या मजेदार स्ट्रॉबेरी जो विटामिन से भरी हुई होती है।